मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी कि विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पूरी तो नहीं करेंगे क्योंकि विविध प्रश्नमाला के अंदर वही क्वेश्चन होते हैं जो हमने एक्सरसाइज के अंदर किए हैं। तो मैं एकाध क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो थोड़े डिफरेंट्स होंगे उन क्वेश्चन से, तो वही क्वेश्चन में बताऊंगा। बाकी आपको उनको होमवर्क में आपके सारे क्वेश्चन जो जो रह जाएंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3.4 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। ये कह रहा है कि 3.4 से 3.4 से 3.4 जो है से वाई एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस। देखो इसमें बात इतनी है कि वाई का पूछा है तो आंसर एक्स का दो, यानी वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष पर है तो इसका आंसर आएगा 3। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5.-2 एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स की बात कर रहे हैं तो आंसर वाई का देंगे और वाई पे कितना है, -2। क्या डिस्टेंस कभी माइनस में हो सकता है, नहीं। तो आंसर आएगा वाई इक्वल्स टू प्लस 2। ये -2 की काई में कन्वर्ट हो जाएगा +2 के अंदर। माइनस की जगह प्लस क्यों करा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। जैसे मैं बोलूं कि आकाश शर्मा आप -10 किलोमीटर जाके दिखाओ तो आप जा सकते हो, नहीं। मैं ये कहूँगा कि 10 किलोमीटर जाओ तो आप जा सकते हो, माइनस में नहीं जा सकते, यानी डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, 0.3 एंड -2.0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस वाले फॉर्मूले से आप आराम से निकाल लोगे, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, नो डाउट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस इज। अब देखो ये तीन पॉइंट दे रखे हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन में, देखो क्या दे रखे हैं, माइनस का 2.1, 2.-2 और 5.2। हमको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। सपोज करो मैंने पहले इसको नाम दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, तो ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा, 2+2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये आ गया 25। अब निकालता हूँ बी सी का डिस्टेंस, तो बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, 5 में से 2 माइनस हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 2+2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो 25। और 25 का क्या निकल कर आएगा, 5, इसका भी 5। अब निकाल लेता हूँ सी ए, तो सी ए का क्या होगा, 5-+ यानी 49, +2 में से 1-1 यानी 50, तो 50 को लिख देंगे हम 25 × 2, और 25 का निकालेंगे 5√2। तो मैंने देखा कि दो छोटे छोटे स्क्वायर का, यानी इसका स्क्वायर करा 5√2 का स्क्वायर करा, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करा, तो इसका तो आ रहा है 50, इसका भी आ रहा है 50। यानी जब दो छोटी छोटी संख्याओं के, दो छोटी छोटी दूरियों का स्क्वायर करा और उनका सम करा तो एक बड़ी के स्क्वायर के बराबर आया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज हमने करीब 30-40 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इसलिए थोड़ी स्पीड तेज रख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस -1.1, -0.-3, 5.2 एंड 4.6 विल बी। अब देखो वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के हैं, तो मुझे मालूम है क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, काइट होती है, ट्रेपेजियम होता है। इन सब की हमें प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि भाई आमने सामने की साइड इक्वल है और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से रोम्बस की चारों साइड इक्वल है और डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा क्या, रोम्बस हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चारों तो डिस्टेंस और डायगनल निकाल के बताना है कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, या ट्रेपेजियम है, या फिर जो भी है आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0.0, 2.0 एंड 0.2। सपोज करो तीन पॉइंट है, 0.0, 0.2 और 2.0। ये कह रहा है कि इन तीनों से एक इक्विडिस्टेंस पर एक पॉइंट लो, यानी कि कोई पॉइंट पी ले लिया, जैसे ए बी और सी, ये इक्विडिस्टेंस से पॉइंट ले लिया।
तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। मैंने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई है, तो मैंने कहा कि जितना डिस्टेंस एपी का है उतना ही डिस्टेंस बीपी का है, तो एपी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बीपी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तब मैंने एपी का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बीपी का भी आ जाएगा, तो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो और इस तरह एक्स कॉमा जीरो वाई माइनस टू। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर। देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो ये माइनस का इधर आएगा, तो प्लस का फोर वाई इज इक्वल्स टू फोर। तो वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर अपॉन फोर, यानी कि वन। तो वाई की वैल्यू वन आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब वाई की वैल्यू वन आई है तो अब इधर निकाल लेते हैं। जब हम इधर से निकालेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए पी इक्वल्स टू सी पी ले लिया। तो इसको सोल्व करके वाई की वैल्यू वन रख देना, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आई होप आप कर लोगे कि क्वेश्चन नंबर सिक्स किस तरीके से करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, पी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट विद जॉइंस पॉइंट 5, 0, 0, 4 इन द रेशो ऑफ 2:3 इंटरनली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज। देखो इसमें है ना, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है ये वाला कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर इक्वल में क्या है x, y। तो आपको m की वैल्यू कितनी दे रखी है, दो, और m1 की वैल्यू है दो और m2 की वैल्यू है तीन। x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है 4। वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर p का आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इफ पॉइंट्स 1, 2, -1, x एंड 2, 3 आर कोलिनियर देन x विल बी। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 8th क्वेश्चन है ये आपके है ना, अभी तक हमने इस टाइप का कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके केवल हमें क्या करा, एक ही क्वेश्चन दे रखा, वो भी मिसलेनियस में दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तीन पॉइंट कह रहा है कि कोलिनियर है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी कोई तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं और अगर तीन पॉइंटों से ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमेशा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका जो एरिया होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों पॉइंटों से एक ट्राइंगल बन रहा है और तीनों ही पॉइंट कोलिनियर हैं, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, जीरो होगा। हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी कि जो बिंदु हैं वो संरेख है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा जीरो के। जबकि तीन पॉइंटों से त्रिभुज का एरिया का सूत्र होता क्या है, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। आपको ये फॉर्मूले में जो आपकी जो एक्स वन एक्स टू वाई थ्री की वैल्यू दे रखी है, देखो कौन कौन सी दे रखी है, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। एक्स वन की वैल्यू है आपके पास वन माइनस वन और टू, और वाई वन की वैल्यू है टू वाई वन की वैल्यू है टू वाई टू की वैल्यू है एक्स और वाई थ्री की वैल्यू है थ्री, ठीक है। अब आइए हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो वन इधर जीरो क्यों रखा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा जीरो होगा, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 एक्स वन की वैल्यू वन वाई टू माइनस वाई वन, यानी एक्स माइनस टू प्लस एक्स टू कितना है माइनस वन, और वाई थ्री की वैल्यू है थ्री माइनस टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू है टू
और वाई वन की वैल्यू है 2 और वाई टू की वैल्यू है x इक्वल्स टू 0। ये 2 डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 आ जाएगा। और इधर क्या बचा, x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 3 और ये बच गया प्लस का 1, ये आ गया माइनस का x इक्वल्स टू 0। ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आया, 1 आया। यानी हम कह सकते हैं कि इधर x की वैल्यू क्या है, 1, यानी d आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें b बता रहा है, हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, देखते हैं वापस चेक करते हैं। 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2 और 2x और 3, 2x 3, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू है x और y3 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है x और y3 की वैल्यू है 3, यहाँ आएगा 3, तो यहाँ भी क्या आएगा 3। वैल्यू पुट करने में दिक्कत कर दी, x2 की वैल्यू है माइनस 1, y3 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है x। तो इधर x माइनस 3, तो ये 4 और 4 0, ये 4 से 4 कट गया, ये माइनस का x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 0 होगी तभी पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलीनियर होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3, 4, 1 इज अंडर रूट 10। अब क्या हमें डिस्टेंस दे दिया है, यानी कि अगर हम इन दोनों बिंदुओं का मतलब दो पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका डिस्टेंस हमें दे दिया है कितना है, रूट 10 दे रखा है। ठीक है, अब तो हम इस बार फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 4 माइनस 3 1 माइनस a, लगा दिया फॉर्मूला। और जब दोनों साइड में अंडर रूट है तो स्क्वायर करके अंडर रूट हटा देंगे, तो 1 प्लस और इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से खोला, 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो 2 और 2 1 और 1 2 उधर जाएगा तो 8, यानी कि अब देखो जब हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया तो इसको हम इसके अंदर वो बन जाएगी पाइथागोरस, तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इससे हमारे दो आंसर निकल कर आएंगे। देखो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 8, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब इसका हम जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो माइनस का ए स्क्वायर 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, ठीक है, तो हमें प्लस करने पर और माइनस करने पर 2 चाहिए, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम इसके अंदर से कॉमन लेते हैं तो क्या निकल कर आएगा, a इस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस 4, इधर से माइनस का 2 कॉमन लिया तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2 कॉमन लिया तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि a प्लस 2 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस 2 और a इक्वल्स टू 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस 2 कॉमा 4 बोल लो या 4 कॉमा माइनस 2 बोल लो, यानी इसका आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल हमारा सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, इफ़ पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, 1, 1, -2 देन चूज द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इफ पॉइंट एक्स माइनस वाई इज इक्वल डिस्टेंस, वो इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के आपको आराम से फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, कि भाई ये वाला पॉइंट इससे भी दूरी से इक्वल डिस्टेंस पर, इससे भी, जैसे 2, 1 और 1, -2 2, 1 और 1, -2 से ये कोई पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के डिस्टेंस निकालना है, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों को साइड में इक्वल रखना है, जिससे आपको क्या आएगा, एक इक्वेशन निकल कर आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है कि किस प्रकार का है। इफ़ इट्स वर्टिसेज, और उसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो वही रोम्बस है, पेरेलोग्राम है, ट्रेपेजियम है, क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करना है इसको, है ना, दूरी निकाल के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच शेप विल बी फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग, जब आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे किसके अंदर, गिवन ऑर्डर के अंदर,
तो आपको बताना है कि कौन सा शेप बनकर आया है। वही ग्राफ के अंदर माइनस टू कोमा जीरो, टू कोमा जीरो, जैसे हमने पहले करा तो उसमें पेंटागोन बना था ना, पंचभुज, ऐसे इसमें क्या बनेगा आपको वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है, फाइंड 13 में कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच, अब देखो फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो मैंने कहा था जब भी रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आपको के रेशो वन मान लेना है, पहली बात तो ये। दूसरी पॉइंट 3.4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट्स, अब क्या हमें पॉइंट दे रखे हैं और पॉइंट्स दे रखे हैं, रेशो पूछा है। देखो ये दो पॉइंट ए, ये बी, ये पी, हमको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, और हमने इसको मान लिया के रेशो वन, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा, पॉइंट, जो पॉइंट है वो तो बीच में और जो पॉइंट्स है वो कॉर्नर में, तो पॉइंट तो है 3.4 और पॉइंट्स कौन से हैं 1.2, 6.7, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि ये ए वाली वैल्यू में दे रखी है 3.4, एम वन एक्स टू के 6k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, 7k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, किसी भी एक से कंपेयर कर लो, 3 = 6k + 1 k + 1, डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया 3k + 3 = 6k + 1, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 3k माइनस का 6k, 1 - 3, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3k = -2k, माइनस से माइनस कैंसिल तो 2/3, तो इसके k की वैल्यू क्या आ गई 2/3, यानी रेशो क्या आ गया हमारा कि 2:3 में डिवाइड करता है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपोजिट वर्टिसेज ऑफ एनी स्क्वायर आर, कि कोई भी स्क्वायर है, एक स्क्वायर है उसके अंदर क्या है उसके अपोजिट वर्टिसेज, यानी कि सपोज करो ये स्क्वायर है तो इसके जो अपोजिट वर्टिसेज है, यानी कि ये वाला 5, -4 है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो ये -3, -2 है। अब इसने पूछा लेंथ ऑफ द डायगोनल, कि भाई इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये दो पॉइंट का डिस्टेंस हमको तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, टू पॉइंट्स के डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकाल लेनी है, बात क्लियर है इतने से मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर 4.0 and 4.1 रेस्पेक्टिवली, कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देखो एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड है, क्या है जो सपोज करो रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है यानी कि लाइन सेगमेंट है। अब इसमें ये कह रहा है कि उस लाइन का वन एंड यानी कि एक सिरा, सपोज करो ये वाला तो 4.0 है और एक इसका मिड पॉइंट यानी कि इधर बीच में एक बीचों बीच एक मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए 4.1, तो हमसे बोल रहा है कि ये चीज फाइंड आउट करो, तो मैंने इसको मान लिया x, y। अब ये कह रहा है कि मिड पॉइंट है साहब, यानी कि जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला है, यानी 4.1 = x + 4/2 y + 0/2, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल है, 4 = x + 4/2 और ये 1 इसके इक्वल है, यानी 1 = y/2। मैंने इसको करा है मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 8, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि x = 4 और ये y 2 जो इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में y = 1, ये हमारा आंसर कि भाई x की वैल्यू तो 4 और y की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया 4.1, ठीक है, और सॉरी 4.2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो आप लोगों को इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, जो एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, वो 21 क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा भी जैसा अभी 16, 17, 18, 19, 20 तक ये क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जब भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर आप नोट डाउन करके ले आना कि सर इसके बाद मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या मुझे स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया, तो आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं आपको समझा दूंगा, पर आपको करने हैं घर में ये, ठीक है। क्वेश्चंस आइए मैं 21 क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा लंबा है पर अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है 6 नंबर की है, जिसमें या तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर या एक के अंदर ही 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है, अच्छी तरीके से समझना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको वैसे वैसे करना है। इफ़ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 1, 2, 0, -1, -1, 2, -1, देन फाइंड इट्स वर्टिसेस। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज है, सपोज करो मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ए बी
और सी, पर इन तीनों ही का मतलब वर्टिसेज नहीं दे रखा, मिड पॉइंट दे रखा है, यानी कि इसका बीचों बीच एक पॉइंट पी दे रखा है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट क्यू दे रखा है और इसके बीचों बीच एक पॉइंट आर दे रखा है। तो ये कह रहा है कि पी का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 1, 2 है और जो क्यू का कोऑर्डिनेट है वो 0, -1 है और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो 2, -1 है। तो ये कह रहा है कि आप लोगों को इनके वर्टिसेस बताना है, यानी कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 आपको ही बताना है। लेकिन मुझे मालूम है कि P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है और R AC का मिड पॉइंट है, तो मैं लिख रहा हूँ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट कौन, P। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x कॉमा y इक्वल्स टू x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यानी x1 + x2, x कॉमा y यानी वाले कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1, 2 और ये क्या है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मैं कह रहा हूँ कि 1 इसकी इक्वल है, यानी 1 x के इक्वल होगा, x1 + x2 / 2 और y इसकी इक्वल है, यानी 2 = y1 + y2 / 2। तो क्या हो गया, 2 = x1 + x2, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, इसी तरीके से 2 × 2 = 4, यानी 4 = y1 + y2। ये दो इक्वेशन निकल कर आ गई पहले से। इसी प्रकार मैंने क्या करा, मैंने बोला कि r इज मिड पॉइंट ऑफ bc, सॉरी q इज मिड पॉइंट ऑफ bc, यानी कि 0, -1 = x2 + x3 / 2, y2 + y3 / 2। यानी कि ये वाला पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट है, यानी x2 + x3 / 2, y2 + y3 / 2। मैंने कहा 0 इसके इक्वल है, 0 = x2 + x3 / 2 और -1 = y2 + y3 / 2। 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, यानी कि x2 + x3 = 0 और -2 = y2 + y3। ठीक है, ये आ गए, ये दो इक्वेशन ये बनकर आ गई। फिर उसके बाद देखो मैंने इसको तो नाम दे दिया, अभी हम इसको एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह मैंने क्या कहा कि R इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखो 2 = 4 हो गया, 4 = x1 + x3 और ये हो गया -2 = y1 + y3। ये मैंने डायरेक्ट निकाल ली इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने x1 + x2 = 2, x2 + x3 = 0, x1 + x3 = 4। इसको 1, 2, 3 इस x को एक तरफ लिख लिया और y वाली भी लिख लेते हैं, y1 + y2 = 4, y2 + y3 = -2, y1 + y3 = -2। हमें ये मिल गई, इसको मैंने दे दिया 4, 5, 6। अब देखो ये हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी है, तीन अननोन वेरिएबल है। तो देखो x1 + x2 और x2 इसमें आ रहा है, यानी पहले मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर विलोपन विधि लगाई। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो x1 + x2 = 2 और दूसरा क्या है x2 + x3, यानी x2 + x3 ये प्लस = 0। ये देखो साइन अलग अलग करता है, माइनस ये माइनस, तो ये तो कट हो गया और इधर क्या बच गया, x1 - x3 = 2। देखो x2 से x2 तो कट गया लेकिन x1 - x3 आया कितना, 2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। अब देखो x1 ये रहा x3 ये रहा, यानी इक्वेशन थर्ड एंड सेवन्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेवन्थ। तो थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है कि x1 + x3 = 4 और x1 - x3 = 2। साइन अलग अलग है, चेंज करने की जरूरत नहीं, कट गया x1 और x1 2x1, 4 और 2 6, 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, यानी x2 = 3। पुट इन इक्वेशन 7,
ठीक है, सॉरी एक्स टू आया है ना, तो एक्स टू पुट कर देते इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने एक्स टू की वैल्यू 3 रखी, यानी एक्स वन प्लस 3 इक्वल्स टू 2, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि माइनस का 1। अब एक्स वन मिल गया, एक्स टू मिल गया, अब एक्स थ्री लिखना है, तो मैंने एक्स वन जो है इक्वल्स टू 1 पुट करा इक्वेशन नंबर 7 में, पुट इन इक्वेशन 7 में पुट कर दिया मैंने, क्योंकि एक्स थ्री चाहिए और एक्स वन की वैल्यू मालूम है, तो 1 माइनस एक्स थ्री इक्वल्स टू 2, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी माइनस का एक्स थ्री इक्वल्स टू 1 और एक्स थ्री इक्वल्स टू माइनस 1। तो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री मिल चुका है, अब हमको क्या करना है, वाई वन वाई टू वाई थ्री का खेल जो हमने एक्स में खेला वही अब वाई में खेलेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, अब देखो वाई वन और ये वाई टू है, ये वाई टू ये वाई थ्री, दोनों में वाई वन वाई टू सेम आ रहा है, तो हम इक्वेशन 4 एंड 5th है, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, तो 4th क्या कह रही है इक्वेशन कि वाई वन प्लस वाई टू इक्वल्स टू 4 और वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू माइनस 2। तो देखो ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये कट साइन चेंज कर दिए, तो क्या आया वाई वन माइनस वाई थ्री इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 8। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 8, मैंने 6 और 8 के अंदर क्या करा, विलोपन विधि लगाई, 6 और 8 में मैंने क्या लगाई, विलोपन विधि, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 8, तो 6th इक्वेशन क्या कह रही है कि y1 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस 2 और 8 क्या कह रही है कि y1 माइनस y3 इक्वल्स टू 6। साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, तो 2y1 इक्वल्स टू 4, तो y1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 यानी कि 2। अब हमारे पास y1 की वैल्यू निकल कर आ गई, तो मैंने क्या कहा, पुट इन इक्वेशन, अब देखो y1 की वैल्यू आई है तो हम इधर से किसकी निकाल सकते हैं, y2 की निकाल सकते हैं अगर मैं इक्वेशन नंबर 4th में रख देता हूँ, तो मैंने इक्वेशन नंबर 4th में रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 4 में रखते मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y2 की। तो देखो इक्वेशन नंबर 4th में रखता हूँ मैं कि y1 की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस y2 इक्वल्स टू 4, तो y2 इक्वल्स टू 2। अब मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई है, तो देखो मैं y2 की रख के किसकी निकाल सकता हूँ, y3 की, यानी मैंने पुट इन इक्वेशन 5th, तो देखो मैंने रखा y2 की जगह 2 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि y3 इक्वल्स टू माइनस का 4। मेरे पास x1, x2, y2, y3 तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई, तो मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ। अब देखो पहला दूसरा और तीसरा, इसको a, इसको b और इसको c, a के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 और y1, तो x1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ढूंढो, देखो x1 की वैल्यू आई 1 और x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू ढूंढो कितनी आई, y1 की वैल्यू आई 2, तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 2। इसी तरीके से b, b के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2, y2, तो x2 की वैल्यू ढूंढो कितनी है, x2 की वैल्यू है 3 और x2 के साथ y3, y2 की वैल्यू देखो कितनी है 2, ठीक है। अब x3 की वैल्यू देखो -1 और y3 की वैल्यू देखो कितनी है -4। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं तीनों ही कि 1, 2, 3, -1, -4। आप लोगों को जहाँ जहाँ मैंने रफ किया उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा उसको रिवर्स करके देखें, ठीक है। बस हमको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करा, फिर एक नई इक्वेशन आएगी उससे इसको सॉल्व करा, फिर वैल्यू पुट करके हमने x1, x2, x3 तीनों के आंसर निकाल लिए और y1, y2, y3 के निकाल लिए। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जब भी आप स्कूल के अंदर आएंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग डे में गूगल मीट पे क्लास चलेगी, जो भी प्रॉब्लम आप नोट डाउन करके रखें, मैं आपको सॉल्यूशन का